गाइस अब टनल आ गई है और हूटिंग करो मुझे तेरी लग गई हूँ ये देख सेम का दिल कच्चा हो रहा था बड़ी देर से पानी देना उसको पापा सुसु कर रहे हैं दिखा सारे रास्ते डरती आई है मेरे को बहुत डर लगता है बहुत डरावना था बहुत ज्यादा और रोड पे हमारे अलावा और कोई कार नहीं है गाइस पहले बार हो गया तो गाइस कैसे आप सब और जैसे कि आपको पता है हमारा वेकेशन चल रही है हमारा वेकेशन मोड ऑन है और पिछले बार में देखा होगा कि हमने हरिद्वार स्नान किया बहुत मजा किया बहुत ज्यादा मजा आया और अब हम सुबह हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए निकल चुके हैं और अब हम रास्ते में रुक के कुछ खाने के क्योंकि भूख बहुत लग रही थी हम कुछ खा के चल रहे थे तो इसलिए हमें भूख लग गई और अभी हम मैगी और परांठे वगैरह हमने दिए हुए और बहुत अच्छा व्यू है और नन्नू फिर आने की कोशिश कर रहे हैं इनके व्लॉग में नन्नू फिर आ गया धीरे धीरे ऐसे ही करता करता निकल जाएगा ऐसे ही करता करता आगे का फिर नन्नू बाबू का और रुको रुको नन्नू बाबू ने पहला व्लॉग बनाया कि निखार में डालू ना डालू मेरी बेइज्जती ना हो जाए मैंने कहा इसमें क्या डाल दे इसमें क्या होता है नन्नू बाबू के व्लॉग का नाम रखना है नन्नू इसका चैनल आने वाला नन्नू व्लॉग और पापा हमारे फोन में बिजी है उनको किसी दुनिया से कोई मतलब नहीं वो अपना ऑर्डर देकर बस हो गए फोन पे व्यू कितना अच्छा है ना यार मतलब बद्रीनाथ में रोड पे इतनी लैंडस्लाइड हुई है ना और ये पहाड़ पूरे कच्चे है गाइस एकदम कच्चे पहाड़ है ये और व्यू बहुत अच्छा है व्यू बहुत सही है ऑर्डर आ गया परांठे और मैगी सना परौंठा मैगी सही हम टेस्टी है मैगी या पहाड़ों की मैगी तो टेस्टी होती है और पापा ने मैं परौठा मंगवाया तो भाई मैगी खा ली और मैगी में इतनी ज्यादा मिर्च थी मेरा मुंह सड़ गया यार सारा ही अब सही हम पानी पे पानी पीता जा रहा है मम्मा मेरी मैगी नहीं आई चीनी लेनी है उनसे चीनी ले ले बता नहीं तो गाइस हमने मैगी और परांठे खा लिए और अब हम चलते आगे मम्मा पीछे बैठे प्लीज कर दो तो गाइस थोड़ा सा ना ये जो बद्रीनाथ के रोड है ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है तो इसलिए पापा पानी और उल्टी की दवाई लेने गए हैं क्योंकि सही है और मम्मा काम हो ही जा रहा है मम्मा ठीक हो 1 किलोमीटर लग गया है 1 किलोमीटर दही का के मेडिसिन शॉप दही पान एना को नहीं 1 किलोमीटर आ गया मेडिसिन शॉप यहाँ से पानी लिया है बहुत जिगजैग वाली रोड है ऐसे ऐसे जिसकी वजह से सही है और मम्मा का काम खराब हो चुका हुआ है नन्नू मामू तू ठीक है तू गाइस मैं भी कहती हूँ मेरे को नहीं कुछ हो रहा शुक्र मेरे को नींद आ रही है बस और अभी तो शुरुआत है मैं बहुत दूर है बद्रीनाथ शायद शाम भी हो सकते हैं रात शाम तो होगी बाकी रात भी हो सकती कुछ कह नहीं सकते अब हम लोग पहुँच चुके हैं यार रुद्र कहाँ पे पहुँचे रुद्रप्रयाग हाँ तो मैंने अब अपनी ये टी शर्ट भी उतार हमें ये लगा लिया क्योंकि बहुत धूप आ रही थी तो इसलिए हमने ये लगा लिया है तो फिर बाकी हमने हमारी पार्टी हुई है अभी थोड़ी सी ये देखो पार्टी इनके सारे रास्ते ही चलती रही है और गाइस बद्रीनाथ की रोड बहुत ही अच्छी है अगर लैंडस्लाइड ना हो क्योंकि पीछे देखा बहुत लैंडस्लाइडिंग हो रही थी रोड बहुत ही क्लीन है गाइस बद्रीनाथ की और व्यूज बहुत ही ऑसम है और अभी हम जा रहे हैं पता नहीं हमें कब पहुंचना मेरे को एक्साइटमेंट इधर की बहुत है अभी भी 192 किलोमीटर रहता है बद्रीनाथ हाँ नहीं अब 192 किलोमीटर तो नहीं है अब कितना 150 किलोमीटर आ गया 150 किलोमीटर हाँ। फिर भी अभी तो गाइस इन्होंने अब हमें रास्ते में रुकाया है क्योंकि जब भी आप चार धाम की यात्रा करते हो या फिर आप हेमकोट साहिब की यात्रा करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है और कई लोग तो अपने घर से ही ऑनलाइन करवा के जाते हैं लेकिन हमने वो नहीं करवाई थी क्योंकि हमें इस बारे में पता नहीं था और इसलिए हमें रास्ते में अब रुकाया है कि पहले हमें रजिस्ट्रेशन करवानी होगी यहाँ पे इस ऑफिस में तो पहले हम वो करवा लेते हैं और जब भी आप आओ तो रजिस्ट्रेशन का जरूर ध्यान रखना तो चलते हैं बाहर सही हमारे टर्न आ गई हमारी चक्कर नहीं आ रही टर्न आ गई है उठ आके सो जी फिर चल बुला रहे हैं
7986 22। तो गाइस मेरा तो हो गया है और अब बाकी सबका हो रहा है। मम्मा का भी हो गया है, पापा का भी हो गया है, सही है। नंदू मामू और सना के रहते हैं तो वो करवा रहे हैं, मैं तो होगी फ्री। संयम भी आ गया, हो गया मेरा भी, हो गया देखो। और नन्नू मामू का भी हो गया। पंजाबी में अपना नंबर बोल रहा, कहती हैं क्या बोल रहे हो? नन्नू मामू वहां पे पंजाबी में अपना फोन नंबर बोल रहा था, उनको समझ नहीं आया यार। वो उत्तराखंड की है, उनको पंजाबी नहीं इतनी समझ आती। तेरे मुच्छे पता चले नन्नू मामू, दिखाई दे मेरे मुच्छे तेरे लग गई हो, ये देख अजकल कई आंदी नी। सबका हो गया, चलो मामू तेरी सीट पीछे है, पीछे यार नहीं नहीं मैं तां के बहन नहीं देना। रजिस्ट्रेशन तो होगी डन, चला सेम का दिल कच्चा हो रहा है। उसको पानी देना, उसको पकड़ा ना पानी। नन्नू मामू जल्दी डाल यार, चल चल बस ठीक है। अब हल्का हुआ होगा, हल्का हुआ है ठीक है ना, हूं थोड़ा हल्का होगा ना, कितनी देर का होता पे। यार सीनरी चेक करो, वाओ व्हाट अ व्यू। नन्नू मामू सेट है, बिल्कुल सही है, आ रहा है मजा, वाओ। ये कैसे बोला, तुम्हारा बोल डर लग रहा है, डर लग रहा है मेरे को इस पहाड़ों में। निखार सारे रास्ते डरती आई है, मेरे को बहुत डर लगता है। मिडल वाले सीट पे क्यों बैठी हुई है, इसको इतनी इतनी ऊंची खाइयों से बहुत डर लग रहा है। और हमारी तीसरी डरपोक से ना बड़े मुझे बाहर से बड़ा डर लग रहा था। तो गाइस अब हम पहुंच गए गोपिंद घाट पे, यहाँ से हेमकुंड साहिब जी की यात्रा स्टार्ट होती है। और हेमकुंड साहिब बद्रीनाथ सिर्फ 19-18 किलोमीटर ही दूर है, मतलब पीछे है, बद्रीनाथ आगे है। तो हम हेमकुंड साहिब पीछे छोड़ आई है, तो अब हम जा रहे हैं आगे बद्रीनाथ। तो गाइस अभी बज चुके हैं शाम के 7:30 और अभी तक नहीं हम पहुंचे बद्रीनाथ, बहुत हाई पे है गाइस। और मेरे पापा थक ही गए और वो कहते यार दो मिनट मैं ना कार रुका के दो मिनट रेस्ट कर लूं, और हमें थोड़ा बाहर निकलते हैं। अंदर पे आ गया, थक गए हैं, बहुत दूर है बद्रीनाथ और इतनी हाई पे है ना, और पहाड़ देखो, माय गॉड। पापा सुसु कर रहे हैं, बाथरूम कर रहे हैं पापा, मैं सीन लेने जा रही थी उनका। तो अंदर आ, सना फुल टायर्ड मामू पहुंचा दो, पहुंचा दो माल को भी बद्रीनाथ ने। तो सबका बुरा हाल हो गया, सबका बुरा हाल। ओ इंस्टाग्रामर आपने थके, सभी इंस्टाग्रामर नहीं थकी अभी, 9 बजे से बैठे हैं, जिन्हें सुबह 9 बजे से बैठे हो यार। पापा थक गए हो, कितने घंटे का आज लाई, सुबह के 6-9 बजे का आज ला रहे हैं, पूरा लाग का लोग का दर्द हो रहे पापा के। जानवर है इधर, चलो अंदर यार, ये है अभी सुनसान सी रोड, जंगल से है, चलो। तो गाइस मम्मा पापा को खिला रहे हैं चने, और एक ताकि वो उनमें एनर्जी आए और फटाफट हमें बद्रीनाथ पहुंचा दे। रोड यार बहुत खराब है आगे,
यहाँ से ना थोड़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ी सी रोड बहुत खराब है। तो गाइस सना ना फर्स्ट टाइम इतनी हाई और इतने हाई पहाड़ों वाली रोड्स पे आई है, और सना कैसा रहा फर्स्ट एक्सपीरियंस? बहुत डरावना था, बहुत ज्यादा यार। लेट के आई, मैं कुछ नहीं देखा। दिखाया तेरा कैसे था? मेरा भी डरावना था, सबका ही डरावना था यार। इसलिए कहा रोड सोने के लिए अच्छी जगह है यार। मैं क्या, सभी बहुत डर रहे हैं गाइस, इतना डर लग रहा है, बाहर देखा तक नहीं जा रहा, और रोड पे सिंगल लाइट नहीं है, सिर्फ ये जो हमारी कार की लाइट है ना बस यही है, और रोड पे ही हमारी अलावा और कोई कार नहीं है गाइस, और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, और हाइट इतनी ज्यादा है ना, मैंने खाई की और देखा भी नहीं जा रहा, दिख ही नहीं रहा है कुछ, बहुत डर लग रहा है यार। हमें 6 बजे तक शाम को पहुंच जाना था, लेकिन अब रात के 8 बज गए है, क्योंकि हम सुबह हम हरिद्वार से निकले ना 9 बजे, इसलिए हम अब लेट हो गया। अगर हम निकलते सुबह 6 बजे तो हमने 7 या 6 बजे तक शाम के यहाँ पे होना था, और अब रात के 8:30 हो गए है, और अभी भी 10 किलोमीटर रहता है, और बहुत ज्यादा डर लग रहा है, और संयम की तो हेडेक हो रही है। और यार मतलब हमने इतने टूर किए, मतलब हमें कभी इतना डर नहीं लगा, पता नहीं इस बार, पर ड्रामी रोड देखो कुछ कुछ नहीं दिख रहा, और कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, रोड भी इतनी खराब है ना, हेमकुंड से बद्रीनाथ की रोड स्पेशली। तो गाइस फाइनली इतनी डेंजरस रोड के बाद हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ। जय बद्रीनाथ, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। और गाइस वो बोल रहे हैं कि रश बहुत ही कम है और आपके दर्शन बहुत ही अच्छे होंगे, तो ये की बहुत अच्छी बात है। देखो ठाकुर जी जो करते अच्छे के लिए करते हैं, उन्होंने कहा आप इतनी मेहनत के बाहर पहुंचे हो और आपके दर्शन इतने अच्छे करवाएंगे हम। तो गाइस अब हम फाइनली हमने होटल में अपने रूम ले लिए है, और संयम तो आते ही यार सो गया है, और इधर गाइस इतनी ज्यादा ठंड है ना, अभी हमने टेम्परेचर चेक किया है 12 डिग्री सेल्सियस शो हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंड है, और यार मैं तो स्वेटर डालने लगी हूँ, और अभी बच चुके हैं रात के 9:30, और बहुत सबको बहुत थकान हो गई है, सना संयम भी सो गया, इधर पापा भी, यार पापा के कारण तो हम इधर आए, अगर वो ड्राइविंग ना करते इतनी अच्छी तो हम यहाँ भी पहुंच पाते, तो इसलिए बहुत थकावट हो गई है। ज्यादा पापा का थैंक यू। हाँ इसने कहा मतलब सुबह, और गाइस अब हम जाएंगे खाना खाने, और नन्नू मामू भी आ गया, थकावट हुई हुई है। ओ ध्यान से। तो गाइस अब हम सुबह करेंगे बद्री विशाल जी के दर्शन, और फिलहाल हम यहाँ पे करते हैं छोटा सा व्लॉग। सो अगर हमारा व्लॉग पसंद आया प्लीज हमारे व्लॉग को आप लाइक कर दो, वो संयम भी कह रहा है मैं भी कह रही हूँ, संयम तो सोया हुआ है, इसलिए हम दोनों आपको कह रहे हैं सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और स्टे ट्यून्ड, हमारे आगे बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप स्पॉटिंग कीप लविंग, बाय।